आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू की। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, मेरे पास है स्कैल्प प्लस शैम्पू। ये एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू है जो पहले स्कैल्प के नाम से आता था और अब इसको कंपनी ने अपग्रेड किया है, तो अब ये स्कैल्प प्लस के नाम से आता है। ये इसका पैक है ब्लू कलर का। तो सबसे पहले इसका पैकिंग दिखाता हूँ मैं आपको और उसका प्राइस बताता हूँ। ये इसका बोतल निकलता है और ये बोतल है 100 ml का, ये बोतल है 75 ml का, ये बोतल है सॉरी। और इसका प्राइस होता है 260 रुपीस। ग्लैनमार्क कंपनी का ये प्रोडक्ट है। चलिए मैं इसका शैम्पू दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा। तो ये तो था इसका पैकिंग और प्राइस की इंफॉर्मेशन। हम बात करते हैं इसमें है क्या। स्कैल्प प्लस शैम्पू में होता है कीटोकोनाजोल, ये इसके पीछे दिया हुआ है, और जिंक पाइरिथियोन, यानी इसमें कीटोकोनाजोल और जिंक पाइरिथियोन सॉल्ट है। अब बात करते हैं शैम्पू के यूज़ की। तो ये शैम्पू जो है वो डैंड्रफ में यूज़ किया जाता है, या किसी को इचिंग रहती है स्किन पर, सर की स्किन में, उसके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। हेयर फॉल में भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, या किसी के बालों में लाइस रहती है यानी कि जुएं रहती हैं, ये शैम्पू उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब बात करते हैं इसको कैसे यूज़ करना है। तो इसको जो डेली यूज शैम्पू होते हैं उनकी तरह यूज़ नहीं करना होता है, आप इसको रोज़ाना यूज़ नहीं कर सकते। आप इसको पहले 4 वीक में, वीक में 2 बार यूज़ करना होता है, यानी 3 दिन के गैप पर यूज़ करना है। उसके बाद ये वीक में 1 बार यूज़ किया जाता है। इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले अपने बालों को भिगोएं और उस पर शैम्पू निकाल कर अपने हाथ पर अपने बालों में लगाएं और उसको 2 से 3 मिनट तक बालों में लगा रहने दें। उसके बाद अपने बालों को धो लें। अगर आपको डैंड्रफ की बहुत ज़्यादा समस्या है तो आप इसको सेम प्रोसीजर एक बार फिर से रिपीट करें, फिर से आप इसको बालों में लगाएं और 3 मिनट तक लगा रहने दें और उसके बाद गर्म पानी से अपने बालों को धो लें। इस तरह 2 से 3 वीक में ये डैंड्रफ को आपके बालों से पूरी तरह निकाल देगा, आपके बाल में वो एकदम क्लीन हो जाएंगे और उसमें जो खुजली की समस्या रहती है वो भी बिल्कुल कम हो जाएगी। और इस शैम्पू की सबसे अच्छी बात यह है, ये बाकी एंटी डैंड्रफ शैम्पू की तरह आपके बालों को ड्राई नहीं करेगा बहुत ज़्यादा। इसमें कीटोकोनाजोल के साथ कंडीशनर मिला हुआ होता है जिसकी वजह से आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होंगे। एक बार के यूज़ में आपको ये 3 से 4 या 5 ml तक शैम्पू लेना होता है। इसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना होता है, बहुत थोड़ा सा शैम्पू ही आपके बालों के लिए सफिशेंट रहेगा। तो ये थे स्कैल्प प्लस शैम्पू के फ़ायदे। अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की। वैसे तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन किसी को जिनके हेयर्स ऑलरेडी ड्राई होते हैं इसको यूज़ करने से उनके हेयर्स जो हैं वो और ज़्यादा ड्राई हो सकते हैं। कभी कभी किसी को इस शैम्पू को यूज़ करने से उनकी स्किन पर इरिटेशन हो सकती है, लेकिन ये बहुत रेयर केस में होता है, नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। तो अगर आपको भी डैंड्रफ की प्रॉब्लम है और आप भी सर में खुजली या डैंड्रफ से परेशान हैं, तो आप इस शैम्पू को यूज़ करके आप डैंड्रफ से छुटकारा पा सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा शैम्पू है। और अगर आपको इस शैम्पू के बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये था मेरा स्कैल्प प्लस शैम्पू का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, और मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय।